उत्तर प्रदेश उत्तर पुलिस प्रदेश भर्ती पुलिस भर्ती 2015 में 2015 रिक्त रह में गई रिक्त रह सीटों गई को सीटों लेकर को लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद जय हिंद। मित्रों मित्रों, जैसा आप लोगों को बताया गया था उसी अनुसार कल दिनांक दिनांक 2/9/2020 को इमरजेंसी लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला गया है डेट लगवाने के लिए। रीट संख्या 26/813/2018 नॉमिनेटेड केस है। बेंच केस है। नॉमिनेटेड केस श्री जस्टिस एम सी त्रिपाठी जी को है। और जो नया शेड्यूल आया है 7 से लेकर 11 तक लगभग 43 कोटे उसमें बैठ रहे हैं। और आप लोगों को लगभग एक सप्ताह से पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था, जो भी इंटरनल जानकारी मिला था उसी अनुसार कि कोर्ट का विस्तार होने वाला है। पहले लगभग 21 कोटे चल रहा था और तब आप लोगों को बताया गया था कि आगे चल के मामला और सामान्य होगा और कोर्टों का विस्तार होगा और उसका परिणाम भी आप लोग देख ही रहे होंगे। जो नया शेड्यूल आया है लगभग 43 कोर्ट का आया है। उस 43 कोर्ट का जो शेड्यूल आया है उसमें एमसी त्रिपाठी जी का बेंच कोर्ट नंबर 71 में बैठ रहा है। मतलब 7 तारीख से उनका बेंच बैठ रहा है। उसी अनुसार सोच विचार के ही कल दिनांक 2/9/2020 को लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला गया था। आज नेट पे शो कर रहा है और 7 तारीख को नियमतः कोर्ट में आ भी जाए। 7 तारीख को हमारे 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 अधिवक्ता पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि एक डेट फिक्स करवा लिया जाए और अंदर से भी हम लगे हुए हैं व्यवस्था करने में कि हर हाल में हमारा जो इमरजेंसी एप्लीकेशन हो एक्सेप्ट हो जाए। क्योंकि काफी लोग इमरजेंसी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, सारे इमरजेंसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। वो जज के विवेक के ऊपर हो रहा है कि कौन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमारा पूरी तरह से कोशिश है, हर तरफ से कोशिश है कि एप्लीकेशन हमारा एक्सेप्ट हो एक डेट डेट के बारे में आप लोगों को बताया गया। कल दोबारा प्रयास किया गया है, जो टेक्निकल फॉल्ट के वजह से कुछ रीटे इधर से उधर दिख रहे हैं उसको सही कराने के लिए भरपूर कोशिश किया गया। अधिकारी से वार्ता लगभग फोन पे 10 से 15 मिनट हुआ है। पहले आप देखे होंगे कि हमारा जो रीट था मैक्सिमम रीटे 52.49 में कनेक्ट दिख रहा था, लेकिन इस समय 14.88 में दिख रहा है। तो कोशिश किया गया लेकिन उसमें कामयाबी हमारे कुछ अधिकारी गण नहीं पाए। फिर भी आज फिर दोबारा कोशिश किया जाएगा। सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फाइनल बहस के पहले एक बहस और होगा। उस बहस में जो भी सारे समस्याएं वो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसको लेके आप घबराइएगा नहीं। 14.88 भी हमारा रीट है और 26.813 भी हमारा रीट है। मैक्सिमम रीट है 14.88 में कनेक्ट है और 14.88 26.813 में कनेक्ट है। मिला जुला के सारी बातें एक है, लेकिन देखने में थोड़ा सा समस्या बुझा रहा है और वह समस्या का समाधान करने में हम जुटे हैं। प्रयास जारी है, जैसे ही सफलता मिलता है आप लोगों को आईडियो के माध्यम से सारी बातें जरूर बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। तो इसको लेके आप परेशान न रहिए, इसको लेके आप बार बार ग्रुपों में मैसेज न करिए ना फोन करिए। अब आता है तीसरी बात, जो रीटे डिसमिस हुआ है सिद्दीकी जी का, तो उसको लेके भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। क्योंकि जिस दिन सिद्दीकी जी का डिसमिस हुआ है उसके बाद एक रीट जब हमको पता चला कि श्रीमान सिंह जी भी और एक करंट कराने गए हैं पांड्या जी के कोर्ट में जस्टिस, तो वहाँ भी समस्या आया था और बहुत तगड़ा बहस हुआ। लेकिन श्रीमान सिंह जी रीट को डिसमिस नहीं करने दिए क्योंकि ट्रांसफर होके कोर्ट में आया था पांड्या जी के कोर्ट में, तो डिसमिस नहीं करने दिए और वह पास ओवर हो गया। तो ये हमें सफलता ही मिला क्योंकि जब तो उस आर्डर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता, महत्व होता, तो डिसमिस हो गया, तो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस पे हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है हमारे सीनियर अधिवक्ताओं से, जूनियर अधिवक्ताओं से, और उस पे अध्ययन करके तो
कोई समस्या बनता है तो उसका विचार करके जरूर कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन हमें लेना चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन 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 जो इस समय समस्या प्रकट हुआ है, इस समस्या का समाधान बहुत ही साधारण ढंग से बिना जज्बाती हुए करना चाहिए। जब तो इस समस्या का समाधान जब तो जज्बाती होके करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। ऐसे कई केसों में दिक्कत हो भी चुका है, आपने देखा भी होगा। तो और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, रीड संख्या 26813/2018 इस केस को हम लोग इतना परिश्रम किए हैं और भगवान हैं और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये सत्य है। तो दुनिया की कोई भी अराजकता या अराजक कोशिश इसको प्रभावित नहीं कर सकता और ना कर पाएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। चाहे वो भर्ती बोर्ड हो या कोई और हो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसको जितना भी ताकत लगाना है वो लगा सकता है। इस केस को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो नियमत है, चाहे जैसे हर स्तर पे हम लोग एक्टिव हैं और हर स्तर पे प्रभावित होके हमारी पूरी कोशिश है कि सितंबर माह के आखिरी तक फाइनल बहस करवा के आर्डर ले लें। और सोमवार को ये तो हमको सफलता मिल गया, डेट हमारा फिक्स हो गया, तो पक्का है हम सितंबर माह में आर्डर लेंगे। तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, चौथा बात कि सभी अधिवक्ता, कल से छुट्टी है, पाँच और छह शनिवार इतवार है, ऑलरेडी छुट्टी रहता है। 4 तारीख को कोरोना महामारी की वजह से छुट्टी है, तो 4 तारीख को हम सभी सीनियर एडवोकेट से, जूनियर एडवोकेट से जो हमने हायर नहीं किया है, चाहे जैसे यचेन सिंह हुए, ऐसे तमाम अधिवक्ताओं से राय विमर्श लिया जाएगा। जो भी उचित राय मिलेगा उस पे तत्काल कार्य किया जाएगा, कुछ भी हो, क्योंकि ये केस हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी हर जगह हर केस में हर समाज में कुछ अराजक तत्व रहते हैं, चाहे वो भर्ती बोर्ड हो, मान लिया जाए, अदर। तो उनसे हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास हमारे खिलाफ जरा सा सामग्री आ गया है, तो उस सामग्री का बार बार परोसने का कार्य करेंगे, रायता फैलाने का कार्य करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दिखा के एमसी त्रिपाठी जी को हमारा केस डिसमिस करना चाहते थे, लेकिन उनका आर्डर हम लोग 3 दिन पहले ही जान चुके थे और उस आर्डर का तत्काल हम लोग कार्ड ढूंढ लिए। वैसे ये भी हम लोग जान चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग एक साधारण वकील तो है नहीं, हमारे जो सीनियर एडवोकेट राय देते हैं उसी अनुसार तत्काल कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान न रहिए, कुछ भी समस्या नहीं होने पाएगा। हाँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ग्रुपों में शांति का परिचय जरूर दीजिए, क्योंकि जो समय है, थोड़ा समस्या आया है, इसका निवारण होने में, इस समस्या से निकलने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है। पहला डेट जब बहस होगा उस समय तक हमें आराम से नॉर्मली कार्य करना है, क्योंकि 1 से 2 बहस का ही हम लोगों का केस में बहस होना है। 1 से 2 बहस जजमेंट आ जाएगा और करीब 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 सितंबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे भविष्य के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हम आशा करते हैं कि ये तो सोमवार को डेट या एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो 100% हमारा इस जजमेंट आ जाए। तो आपको सारी बातें बता दिया गया है, किसी भी बात को लेके ना तो आप भ्रमित होइए ना तो परेशान होइए, बस ईश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि जस अपजस परिणाम ये सब ईश्वर के बस में है। इंसान के बस में सिर्फ एक परिश्रम एक कोशिश है, लेकिन जो परिश्रम कोशिश करते हैं 100% उनको रिजल्ट मिलता है। वही कार्य हम लोग
2018 से करते आए हैं और अभी तक हमको हर एक डेट में हर एक कदम पे सफलता मिलता आया है, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड को स्टे लेने में, चाहे वैकेंसी को निकलवाने में, जो दो चरण थे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तीसरा चरण जो हमारा केस का डिस्पोज होने वाला है, ऑर्डर मिलने वाला है, ये अति इम्पोर्टेंट है कि इस कदम को और भी हमें संभल के चलना है, कदम रखना है। तो आप लोग जज्बाती ना बनिए, थोड़ा हमको समय दीजिए, एक सप्ताह से लेकर 10 दिन का। बाकी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, एप्लीकेशन और बाकी जो भी चरण हम लोग अपनाएंगे, कार्य करेंगे, जरूर उसका पूर्व आप लोगों को दिया जाएगा। हर एक चरण का, हर एक चीज का ग्रुपों में सारी बातें प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, कुछ इंटरनल बातें रहेगा जो आप लोगों को मजबूरी रहेगा नहीं बताना, क्योंकि उस चीज को बताना, उस बात को बताना हमें हानि भी पहुंच सकता है। तो जो भी और बातें रहेंगी बताया जाएगा। हाँ, आप लोगों से जो मदद मांगा गया था पैसा को लेकर, बहुत कम मात्रा में हमारे भाई पैसा अभी दे रहे हैं। तो किस बात को लेके आप विचार विमर्श में लगे हुए हैं ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग, हमारी टीम जैसे भी सच्चाई के साथ कार्य करने में लगा हुआ है, परिणाम दिलाने में लगा है। हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं, जरूर सहायता राशि मदद करेंगे। बाकी आप खुद होशियार हैं, आप घर से इलाहाबाद आओगे तो 500 से भी ज्यादा आपका खर्च हो जाएगा। आप कोई फार्म भरोगे तो उससे कई गुना आपका ज्यादा खर्च हो जाएगा। अभी घूस के नाम पे 8 से 10 लाख आप खर्च कर दोगे, वहाँ भी पूर्ण रूप से ये नहीं रहता है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। लेकिन अपना केस इस पोजीशन पे पहुँच चुका है कि हर हाल में परिणाम आना ही है और वर्दी मिलना है। फिर भी आप लोग पैसा देने में, मदद करने में हिल्ला हवाली बरत रहे हैं और न्यायालय में बिना पैसे का कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। तमाम हमारे याची भाई मदद कर भी चुके हैं और मैक्सिमम ऐसे भाई हैं जो हिल्ला हवाली कर रहे हैं। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप हिल्ला हवाली किए बिना सहयोग राशि दीजिए, मदद करिए, जिससे केस जिस स्थिति में है और बेहतर स्थिति में आके परिणाम में तब्दील हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, किसी को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। और जिन भाइयों का पैसा आ रहा है, क्योंकि आपका सारा डिटेल हमारे पास है, ठीक तुरंत लगा लिया जाता है। समय के अभाव के कारण ग्रुपों में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कार्य इस समय लंबा है और ठीक लगा के जिनका पैसा आ रहा है फाइल तैयार कर लिया जा रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और फोन आप लोग कम करिए, तो कोई समस्या हो रहा है तभी फोन करिए, अनावश्यक फोन मत करिए। सभी भाइयों से और हाँ, कल शाम तक जो भी हमारे अधिवक्ता राय विमर्श देते हैं, कल रात तक जरूर छोटा सा आइडियो करके आपको सारी बातें प्रोवाइड किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।